कोविड टीकाकरण अभियान के तहत गुरुवार को जिला अस्पताल सहित 30 केंद्रों पर 8,377 लोगों का कोविड का टीका लगाया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 6,590 और सेकेंड डोज लेने वालों में 1,787 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जिले में 2 अभिभावक स्पेशल तथा 2 महिला स्पेशल बूथ बनाया गया है, जिसमें वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम में 1 बूथ पर ठेला खोमचा वालों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव का एकमात्र हथियार टीकाकरण ही है, इसलिए कोविड का टीका अवश्य लगवाएं और सुरक्षित रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज 30 सेंटरों पर हमारा वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें से 2 अभिभावक स्पेशल, 2 महिला स्पेशल, 1 हमारा पुलिस लाइन में वैक्सीनेशन चल रहा है, 1 हमारा नगर निगम में वैक्सीनेशन चल रहा है। इस तरह से 30 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। आज का हमारा 10,000 से ज़्यादा का लक्ष्य है। हमें मगा वैक्सीनेशन चलाना है, शासन की जैसे ही निर्देश आता है हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वैक्सीनेशन करेंगे। करीब 40-50,000 से ज़्यादा का वैक्सीनेशन पर डे करेंगे और थर्ड वेव जैसा कि लोग कर रहे हैं उसके पहले हम सभी को वैक्सीनेशन कर देंगे, जिससे सभी लोग सुरक्षित रहेंगे।